हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी मल्टीपल कायरल कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स की और डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होती है। हमने देखा था कि आइडेंटिकल पेयर्स कौन होते हैं, एनेंशियोमर्स कौन होते हैं, डायस्टेरियोमर्स कौन होते हैं। जब बिल्कुल कॉन्फिग्रेशन चेंज हो जाए दूसरे मॉलिक्यूल का तो हम कहेंगे उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप एनेंशियोमर का है। जब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ जाए तो हम बोलेंगे दीज आर द आइडेंटिकल पेयर्स, और जब इन दोनों के अलावा कोई भी कंडीशन रहती है तो हम बोलेंगे दे आर द डायस्टेरियोमेरिक पेयर। लेकिन आज की क्लास में हम बात करेंगे कि अगर हमको कोई गिवन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है तो हम लोग उसके टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे काउंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं और हमने एक ऐसा मॉलिक्यूल लिया जिसमें यहाँ से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है एंड दिस इज CH3। अब इस मॉलिक्यूल में अगर हम देखेंगे तो कितने कायरल कार्बन है। एक तो ये वाला कार्बन कायरल है बिकॉज दिस इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स एंड दिस वन आल्सो इज कायरल कार्बन, तो ये भी 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल ग्रुप से अटैच्ड है। अब अगर हमको पूछा जाए कि इस मॉलिक्यूल में टोटल कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे तो हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, लेट अस स्टार्ट विद ए फिशर प्रोजेक्शन। इस मॉलिक्यूल का एक फिशर प्रोजेक्शन कुछ इस तरह का बना सकते हैं। अब वो CH3 को टर्मिनल एंड्स पर रखा और हाइड्रोजन इधर रखा, क्लोरीन इधर और ब्रोमीन इधर। दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल बिकॉज दीज टू आर कायरल कार्बन्स और इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। एक दूसरा इस कंपाउंड का मिरर इमेज भी बन सकता है, और अगर इस कंपाउंड का मिरर इमेज बनाएंगे तो क्लोरीन पास में दिखाई देगा, ब्रोमीन भी पास में, हाइड्रोजन दूर दिखाई देंगे, दिस CH3 विल बी एट द टर्मिनल। अगर मैं इसका नाम ए देता हूँ और इसका नाम बी देता हूँ, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बी ए की मिरर इमेज है, तो ए और बी में हम जानते हैं दैट ए एंड बी विल बी कॉल्ड एज द एनेंशियोमेरिक पेयर। दूसरी तरफ बात करें तो हम एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन भी मान सकते हैं जिसमें ये वाला कॉन्फ़िगरेशन तो हमने सेम रखा, दैट इज CH3, H और Cl की पोजीशन तो सेम रखी लेकिन Br और H की पोजीशन को अब की बार इंटरचेंज कर दिया, और एक इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है। सिमिलरली अगर इस मॉलिक्यूल का नाम C देता हूँ तो एक और इस मॉलिक्यूल की मिरर इमेज हम लोगों को दिखाई दे सकती है जिसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन पास में और हाइड्रोजन और ब्रोमीन दूर दिखाई देंगे, दिस CH3 हेयर एंड दिस इज आल्सो हेयर CH3। अगर इसका नाम हम डी देते हैं तो हमसे पूछा जाए सी और डी में क्या रिलेशनशिप है, तो हम कह सकते हैं दैट सी एंड डी आर आल्सो कॉल्ड एज द एनेंशियोमेरिक पेयर। सिमिलरली हम जानते हैं दैट ए और सी, बी और डी, इन सब में भी आपस में डायस्टेरियोमर्स का रिलेशनशिप रहेगा, क्योंकि ए और सी में ना तो एग्जैक्टली सिमिलर है और ना एग्जैक्टली रिवर्स है, सो दे ए एंड सी विल बी कॉल्ड एज द डायस्टेरियोमर्स। लेकिन इस मॉलिक्यूल में हमने देखा कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए हमारे पास चार ऐसी स्ट्रक्चर्स आई विच आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में ऑप्टिकली एक्टिव कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ तो हमने छोटा मॉलिक्यूल था तो सारे स्ट्रक्चर ड्रा कर लिए, लेकिन अगर हमको निकालना है कि कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो यहाँ पर ऐसे मॉलिक्यूल्स में हम एन निकालते हैं, वेयर एन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कायरल सेंटर, वेयर एन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कायरल सेंटर। और अगर हम जब पूछा जाए दैट टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने बनेंगे, सो टोटल ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स विल बी 2^n, और हम जानते हैं इस मॉलिक्यूल में n की वैल्यू 2 है, तो 2^2 विल बी इक्वल टू 4, हमको दिखाई दे रहा है दीज आर द 4 स्ट्रक्चर्स विच आर ऑप्टिकली एक्टिव। इस कंपाउंड में हमसे पूछा जाए दैट टोटल ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने बनेंगे, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन होते हैं, जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, कायरल सेंटर तो इनमें है ही, और कायरल सेंटर होने के बावजूद भी अगर POS की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं मीजो कंपाउंड्स, और इस मॉलिक्यूल में हमको कोई भी मीजो कंपाउंड नहीं दिखाई दे रहा है, सो देयर विल नॉट बी एनी मीजो कंपाउंड इन दिस मॉलिक्यूल। सो टोटल मॉलिक्यूल्स, अगर टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करेंगे, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स विल बी द एक्टिव प्लस इनएक्टिव, दैट विल बी 4+0, दैट इज 4 ओनली। तो हम कह सकते हैं कि टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स इन सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी 4। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अब की बार अगर हमको इस तरह का मॉलिक्यूल दे दिया जाए, जैसे पहले वाले मॉलिक्यूल में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, और मॉलिक्यूल लिखा CH3, CHCl, CHCl CH3। इस मॉलिक्यूल का एक कॉन्फ़िगरेशन अपन फिशर प्रोजेक्शन कुछ इस तरह का लिख सकते हैं, दिस इज CH3, दिस इज CH3,
यहाँ पर H लिखा, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl और यहाँ पर H, अपने मन से हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया इस तरह का। दिस कैन बी वन ऑफ द पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ फिशर प्रोजेक्शन। सिमिलरली अगर इस मॉलिक्यूल का नाम A देते हैं तो A की एक और मिरर इमेज बन सकती है जिसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन पास में दिखाई देंगे। दीज हाइड्रोजन एंड क्लोरीन विल बी अवे और दीज मिथाइल विल बी एट द टर्मिनल पोजिशंस। और A और B में क्या रिलेशन है, A एंड B आर द एनेंशियोमेरिक पेयर, ये हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है। अनोदर वन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज दैट कि बोथ क्लोरीन विल बी एट सेम साइड, बोथ हाइड्रोजन एट सेम साइड एंड मिथाइल मिथाइल एट टर्मिनल पोजिशन। एक और मॉलिक्यूल इसकी स्ट्रक्चर बन सकती है विच विल द मिरर इमेज ऑफ कंपाउंड सी, इसका नाम सी देते हैं। सो मिरर इमेज ऑफ सी विल बी डी, जिसमें क्लोरीन क्लोरीन पास में दिखाई देंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दूर दिखाई देंगे एंड दिस मिथाइल विल बी एट द टर्मिनल पोजिशन। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर ध्यान से देखें, ए और बी में तो इनेंशियोमर्स हैं, सी और डी में हमसे कोई रिलेशनशिप पूछे तो क्या है। लास्ट क्लास में हम बात कर चुके हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स की। यहाँ पर हम जानते हैं कि ये मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, काइरल कार्बन तो ये हैं दोनों, लेकिन एज वेल एज देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस, दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल एंड दिस इज मीजो कंपाउंड। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो पजेजिंग प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। लेकिन अगर हम देखें डी वाले मॉलिक्यूल को इसी प्लेन में बाई 180 डिग्री अगर रोटेट कर देते हैं, वी विल अगेन गेट बैक सी। तो मॉलिक्यूल्स को इसी प्लेन में, इट इज लाइक स्टेयरिंग को इस तरह अगर घुमाएंगे, तो स्टेयरिंग को अगर घुमाएंगे तो ये मिथाइल मिथाइल तो है यहाँ पर, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ दोनों आ जाएंगे, दोनों क्लोरीन आ जाएंगे। मतलब डी को इसी प्लेन में घुमाने पर वी आर अगेन गेटिंग द मॉलिक्यूल सी। इसका मतलब डी ही सी है और हम कह सकते हैं कि मीजो कंपाउंड्स की मिरर इमेज इज द आइडेंटिकल, जो हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। तो अगर काउंट करने की बात आएगी कि टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, तो सी और डी को हम अलग अलग काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि डी को रोटेट करने पर ही सी मिल रहा है हमको। का मतलब ये है कि आउट ऑफ सी एंड डी ओनली वन विल बी counted while counting all the total optical isomers. So total optical isomers, or we can say total active will be 2. This A and B are active are 2. And inactive की अगर बात की जाए, so inactive will be 1. And total अगर optical isomers OI हमको निकालना है, this will be 2 plus 1, this will be 3. काइरे से तो 2 काइरल सेंटर होने के बाद ये 4 होने चाहिए थे, but we are getting 3. इसका मतलब less number of optical isomers हम मिल रहे हैं हम लोगों को जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल आ जा रहा है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ पर एक बात है, इस तरह के मॉलिक्यूल जो छोटे मॉलिक्यूल हैं, वहाँ पर तो हम स्ट्रक्चर बना के आराम से काउंट कर सकते हैं कि कितने एक्टिव होंगे, कितने इनएक्टिव और कितने टोटल। बट अगर मॉलिक्यूल बड़ा आ जाए और उसमें ज़्यादा काइरल सेंटर आ जाते हैं, देन हम लोगों को हर बार स्ट्रक्चर बनाना आसान नहीं है। इसलिए हम लोग एक जनरलाइज फार्मूला बनाएंगे जिसकी वजह से हम हर मॉलिक्यूल में टोटल एक्टिव, टोटल इनएक्टिव और टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स को काउंट कर पाएं। इसके लिए अपन एक टेबल बनाते हैं कि जब मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो तो हम लोगों को कैसे, सपोज एक्टिव आइसोमर्स बताने हैं अपने को, ऑप्टिकली एक्टिव। यहां पर एक कॉलम बनाते हैं दैट विल बी इनएक्टिव, और इनएक्टिव कौन होंगे, दैट आर द मीजो कंपाउंड्स। इधर एक कॉलम बनाते हैं दैट इज टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, टोटल ओआई, एंड यहां पर हम बनाते हैं टोटल इनेंशियोमेरिक पेयर कितने बनेंगे, इनेंशियोमेरिक पेयर, क्योंकि दो मॉलिक्यूल से मिलकर एक पेयर बनता है। सो जितने भी एक्टिव आएंगे उनका आधा कर देंगे, दैट विल बी द नंबर ऑफ एनेंशियोमेरिक पेयर ऑफ सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। जब हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आ जाता है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले केस वन में देखा था अनसिमेट्रिकल, जहां पर दो काइरल सेंटर थे, सो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स विल बी 2^n। मीजो कंपाउंड इनमें होता ही नहीं, क्योंकि इनएक्टिव होंगे नहीं, बिकॉज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। सो टोटल ओआई विल बी इक्वल टू 2^n। और जब इनेंशियोमेरिक पेयर की बात करेंगे तो जो एक्टिव हुए उनका ही आधा आ जाएगा, सो 2^n बाई 2 विल बी इक्वल टू 2^n माइनस 1। सो ये केस तो बहुत आसान है, दैट इज अनसिमेट्रिकल। लेकिन जब जब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की बात आएगी, तो हमने अभी अभी देखा था केस 2 में, वहाँ पर दो तरह की कंडीशन बन सकती हैं।
कि इफ n की वैल्यू ऑड आ जाए या n की वैल्यू इवन आ जाए, सपोज n इज इवन, तब जब इवन होगा n, और दूसरा केस जब n ऑड हो, मतलब कायरल सेंटर की वैल्यू इवन हो या कायरल सेंटर की वैल्यू ऑड हो। यहां पर अगर हम बात करेंगे कि इवन हो जब, तो ऑप्टिकली एक्टिव विल बी समवेयर लेस, दैट इज 2^n-1, देयर विल बी सम मीजो कंपाउंड विच आर इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स, सो इट विल बी इक्वल टू 2^n/2-1, और टोटल ऑप्टिकल विल बी द एक्टिव प्लस इनएक्टिव, सो इट विल बी 2^n-1 + 2^n/2-1। इस तरह हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, एनेंशियोमेरिक पेयर विल बी द एक्टिव का आधा, तो 2^n-1 और इसका आधा मतलब बाई टू, सो इट विल बी 2^n-2। इस तरह हम आराम से निकाल सकते हैं। हम लोगों को मॉलिक्यूलर फार्मूला या कहें कि इस तरह फार्मूला याद रहना चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट द टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स। लेकिन अगर n की वैल्यू ऑड आ जाती है, मतलब लाइक 1 तो हमेशा एक्टिव होता है, लाइक 3, 5, इस तरह हमारे नंबर ऑफ कायरल सेंटर आ जाते हैं, तो टोटल वैल्यू ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विल बी 2^n-1। सपोज इसकी हमने इसको नाम दिया ए, तो जो इनएक्टिव रहेंगे हमारे पास वो हो जाएंगे 2^n-1/2। तो इसको नाम दिया, सपोज हमने बी दिया, सो एक्टिव आइसोमर्स विल बी द टोटल माइनस इनएक्टिव, सो ए माइनस बी विल बी द वैल्यू ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, सो टोटल इज 2^n-1 विच इज ए, माइनस बी इज इनएक्टिव, दैट इज 2^n-1/2। ये वैल्यू किसकी आई है हमारी, दैट इज द एक्टिव आइसोमर्स। तो यहाँ से अगर हमको एनेंशियोमेरिक पेयर पूछा जाता है, तो पेयर क्या होता है, एक्टिव का आधा, जितने भी एक्टिव रहते हैं उनके आधे मिलकर बनाएंगे क्या पेयर बना देंगे उतने ही। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी कि ए माइनस बी की जो वैल्यू आती है उसको हम डिवाइड बाई टू कर देते हैं, एंड वी विल गेट द एनेंशियोमेरिक पेयर। इन फॉर्मूला को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग कैसे डिफरेंट गिवन मॉलिक्यूल्स में ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स के आइसोमर्स के बारे में कैसे बता सकते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं अपन कुछ एग्जांपल्स से। मैं कुछ मॉलिक्यूल्स आपको लिख रहा हूं यहां पर, आप लोगों को यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव, इनएक्टिव, मीजो कितने हुए और टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हुए वो सब काउंट करने हैं। आप लोग एक पॉज ले लीजिए और यहाँ पर इन सब क्वेश्चंस को ट्राई करिए। देखिए इन क्वेश्चंस में हम लोग ट्राई करते हैं कि कितने एक्टिव बने, कितने इनएक्टिव बने और कितने टोटल बने। सबसे पहले हमको देखना है एन कितने हैं। देखो हम देखेंगे ये कार्बन कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, क्योंकि यहाँ से दो हाइड्रोजन अटैच्ड हैं विच आर सेम, यहाँ भी ये कायरल नहीं है, लेकिन ये वाला कार्बन कायरल है क्योंकि वन इज मिथाइल ग्रुप, अनोदर वन इज दिस मच एंड अनोदर वन इज हाइड्रोजन। सो यहाँ से इस पर जुड़ने वाले चारों ग्रुप अलग हैं, तो दिस कार्बन इज कायरल, ना ये है ना ये, तो यहाँ पर केवल कायरल कार्बन एक हुआ, सो टोटल एक्टिव विल बी व्हाट, 2^1, दैट इज 2, बिकॉज दिस इज अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। एक्टिव इतना हो गया तो मीजो कंपाउंड तो इसमें होने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि मीजो के लिए हमेशा दो या दो से ज़्यादा कार्बन होने चाहिए कायरल, तो यहाँ पर एक्टिव भी दो हुए। और एनेंशियोमेरिक पेयर की अगर हम बात करेंगे, सो पेयर विल बी 1, 2/2 - दैट इज इक्वल टू 1। इस मॉलिक्यूल में अगर बात करेंगे तो कायरल सेंटर ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये मॉलिक्यूल क्योंकि अनसिमेट्रिकल है, तो अनसिमेट्रिकल में एक्टिव जितने होते हैं, एक्टिव विल बी इक्वल टू 2^3, दैट इज 3, एन की वैल्यू 3 है,
तो एन तीन है तो 2⁻³ इज इक्वल टू 8, विच आर ऑल्सो इक्वल टू द टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्यों? क्योंकि अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में मीजो कंपाउंड आने की कोई संभावना होती नहीं, तो जितने एक्टिव रहेंगे उतने ही टोटल भी रहेंगे, मीजो विल बी जीरो। सो दिस मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली, यहाँ पर इसके 8 आइसोमर बन जाएंगे। इस मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूँगा तो ना तो ये कार्बन काइरल है ना ये है, दिस इज काइरल, दिस इज काइरल, दिस इज ऑल्सो काइरल, यहाँ पर भी एन की वैल्यू 3 है। दिस इज एग्जैक्टली सेम लाइक दिस क्वेश्चन, एक्टिव जितने हो जाएंगे दैट विल बी 2⁻³, दैट इज 8, एंड एक्टिव ही जितना होंगे उतना ही टोटल इसके ऑप्टिकल आइसोमर भी बन जाएंगे। लेकिन इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करेंगे तो ये मॉलिक्यूल हमको सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, इस मॉलिक्यूल को हम कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये काइरल सेंटर है, ये काइरल सेंटर है, तो यहाँ पर इसके अगर हमें पता पूछा जाए कि नंबर ऑफ एक्टिव आइसोमर कितने रहेंगे, एक्टिव विल बी 2⁻ⁿ, सो 2⁻ⁿ दैट इज 2⁻ⁿ, टोटल एक्टिव विल बी 2। और इसके इनएक्टिव की बात करी जाए तो इनएक्टिव विल बी 2⁻ⁿ/2, दैट इज 2/2 -1, सो दैट इज 2⁻ⁿ-1, दैट इज 2⁻⁴, और किसी की भी पावर 0 हो द वैल्यू विल बी 1, सो इनएक्टिव 1 आया, जैसे हमने प्रीवियस केस में देखा था। सो टोटल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स विल बी इक्वल टू 2+1, दैट इज 3। इसमें अगर मॉलिक्यूल में बात करेंगे, यहाँ पर ये वाला कार्बन काइरल है और ये वाला कार्बन काइरल है, और यहाँ पर ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, तो एक्टिव विल बी 2⁻ⁿ, दैट इज 2⁻⁴, और एक्टिव ही टोटल हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे कंपाउंड्स में मीजो नहीं पाया जाता है, मीजो विल बी 0। सिक्स मॉलिक्यूल में बात करेंगे तो यहाँ पर ये कार्बन काइरल है, ये भी काइरल है, ये भी काइरल है, क्योंकि अटैच्ड ग्रुप्स आर डिफरेंट, तो यहाँ पर एन की वैल्यू 4 आती है, द मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल, सो टोटल एक्टिव विल बी 2⁻⁴, दैट इज 16, विच इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, और मीजो इसमें कोई भी नहीं पाया जाएगा बिकॉज दिस मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल। इस मॉलिक्यूल में अगर हम बात करेंगे सो दिस इज ऑल्सो ए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पर 2 कार्बन हैं, कायरल कार्बन है, देखो ये ग्रुप अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन जुड़ा है वो अलग है, तो दोनों कार्बन कायरल हैं, बट दिस मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, सो यहाँ पर एक्टिव विल बी वाट 2⁻⁴, एन की वैल्यू 2 है, 2⁻ⁿ-1, दैट इज 2-1, सो 2⁻⁴ इज 2 एक्टिव, सो इनएक्टिव विल बी वाट, दैट मीजो कंपाउंड्स विल बी 2⁻ⁿ/2, दैट इज 2/2 -1, दैट इज 1 वैल्यू आएगा यहाँ से, और टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितना हो जाएगा, एक्टिव प्लस इनएक्टिव, दैट इज 3। तो हमने जितने भी ये 7 एग्जाम्पल देखे हैं, हमने इनमें ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस किया है जिनमें या तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैं या फिर सिमेट्रिकल हैं, तो हमने एन की वैल्यू इवन लिया है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जिसमें सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो लेकिन एन की वैल्यू, दैट इज नंबर ऑफ काइरल सेंटर, ऑड आ जाए। जैसे हमने इस तरह का एक मॉलिक्यूल लिया CH3CHCl CH Cl CH Cl CH3, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये भी एक काइरल सेंटर है इसमें, बिकॉज दिस इज अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, ये भी एक काइरल सेंटर है विच इज अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप, और ये वाला जो कार्बन है दैट इज कॉल्ड एज द स्यूडो काइरल। तो स्यूडो काइरल कौन होता है, जो एग्जैक्टली काइरल नहीं होता लेकिन काइरल की तरह दिखता है, ऐसा क्यों? जैसे अगर मान के चलो हम इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की बात करें, सो वन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल विल बी लाइक CH3CH, और यहाँ से इस पे Cl जुड़ा हुआ है, अनदर वन इज CH3, CH Cl CH CH3 and Cl। अगर हम इस कार्बन की बात करें, ये तो दोनों साफ साफ काइरल हैं, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल में इस कार्बन की बात करेंगे तो यहाँ से H डिफरेंट है, Cl डिफरेंट है, बट दीज ग्रुप्स आर सेम, तो इसके काइरल होने का सवाल नहीं उठता है। बट अगर मान के चलो इसका कॉन्फिगरेशन R आ जाता है और इसका कॉन्फिगरेशन S आ जाता है, देन दीज टू ग्रुप्स विल बी ट्रीटेड डिफरेंटली, और तब ये कार्बन भी काइरल हो जाएगा बिकॉज ऑल 4 ग्रुप्स देन विल बी डिफरेंट। तो हम n की वैल्यू जब काउंट करेंगे तो उसमें स्यूडो कार्बन को भी हम कायरल ही काउंट करेंगे, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आएगी, 3,
और जब n की वैल्यू ऑड आती है इन केस ऑफ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है मॉलिक्यूल टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है, तो हम कह सकते हैं दैट n की वैल्यू 3 आ रही है विच इज ऑड, और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में तो एक्टिव आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, या मैं कहूँगा टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, टोटल आइसोमर्स विल बी दैट इज 2 raised to power 3 minus 1, दैट इज 2 raised to power 2, दैट विल बी 4, तो टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे 4। अब यहीं पर हम इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, तो इनएक्टिव इतना हो जाता है 2 raised to power n minus 1 by 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2 raised to power 3 minus 1 by 2, दैट इज 2 raised to power 2 by 2, दैट इज 2 raised to power 1, दैट इज इक्वल टू 2। तो टोटल 4 में से इनएक्टिव 2 रहे तो एक्टिव कितने हो जाएंगे, दैट इज 4 minus 2, दैट इज 2। और जब हमसे एक्टिव इनेंशियमेरिक पेयर की बात करी जाएगी तो एक्टिव बाई 2, दैट इज एक पेयर आएगा, या हम कह सकते हैं कि 2 एक्टिव आएंगे और 2 इनएक्टिव आएंगे, सो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स विल बी 4। एक और मॉलिक्यूल हम ले सकते हैं, जैसे हमने मॉलिक्यूल लिया CH3, CHBr, CH3। इस मॉलिक्यूल में अगर हम बात करेंगे तो ये वाला कार्बन काइरल है, अटैच टू 4 different, ये भी काइरल है, ये भी काइरल है, ये भी काइरल है, एंड दिस इज स्यूडो काइरल, क्योंकि यहाँ पर ये वाले ग्रुप सेम आ रहे हैं, तो स्यूडो काइरल है, लेकिन n में स्यूडो काइरल काउंट होगा तो n की वैल्यू 5 आ रही है विच इज ऑड, तो एक्टिव आइसोमर कितने हो जाएंगे, या मैं कहूँ टोटल आइसोमर कितने हो जाएंगे, दैट इज 2 raised to power n minus 1, 5 minus 1, दैट इज 2 raised to power 4, दैट इज इक्वल टू 16। तो टोटल तो 16 हो जाएंगे ऑप्टिकल आइसोमर, जिनमें इनएक्टिव वाले कितने हो जाएंगे, दैट इज 2 raised to power n minus 1 by 2, दैट इज 2 raised to power 5 minus 1, 4 by 2, दैट इज 2। सो 2 raised to power 2 is 4, आउट ऑफ टोटल 16, 4 विल बी इनएक्टिव, दैट इज मीजो कंपाउंड, तो एक्टिव कितने बचेंगे, दैट इज 16 minus 4 विल बी द 12, और इनेंशियोमेरिक पेयर की अगर बात करी जाएगा तो 12 by 2, हमारे पास 6 इनेंशियोमेरिक पेयर आ जाएंगे इस तरह के मॉलिक्यूल्स में। तो हम इस तरह काउंट कर सकते हैं, हम लोगों को हमेशा पता रहना चाहिए दैट व्हाट आर द फॉर्मूलाज इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल, टोटल विल बी 2 raised to power n एज वेल एज दे विल बी एक्टिव 2 raised to power n। मीजो कंपाउंड्स कोई होता नहीं जो भी अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि मीजो कंपाउंड की पॉसिबिलिटी केवल और केवल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में ही हो सकती है, और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में n इवन होगा तब फॉर्मूला क्या होगा, और ऑड होगा तब फॉर्मूला क्या होगा। तो आप लोग प्रैक्टिस करें, मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स की जिनमें कोई काइरल कार्बन नहीं होता फिर भी वो एक्टिव हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।